गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डाइमेंशंस 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड की वॉल्यूम से 3 टाइम्स ग्रेटर है। इसमें सबसे पहले आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्यूबॉइड का डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 15 एंड 12 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। द फाइनल आंसर विल बी 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1800 क्यूबिक मीटर, सो 3 इंटू 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, सो फाइनल आंसर विल बी 5400 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच एज इज 10 मीटर। क्यूब का हमें एज गिवन है, एज का मीनिंग है साइड। क्यूब की साइड गिवन है 10 मीटर। क्यूब का साइड गिवन है 10 मीटर। क्यूब का आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। डैट मीन्स 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। फाइनल वैल्यू विल बी 1000 क्यूबिक मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 5 इंटू 1000 क्यूबिक मीटर, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5000 क्यूबिक मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच एज मेजर्स 12 मीटर इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4 मीटर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देन यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। What is the volume of cube? Volume of cube is equal to length into length into length. Length given hai 12 meter. Length is 12 meter. So volume of cube is equal to 12 meter into 12 meter into 12 meter. 12 ko 12 se multiply kiya, you will get 144. Then 144 ko aap again 12 se multiply karenge, you will get 1728. इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू आएगी 1728 क्यूबिक मीटर। ओके, देन क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशंस हमें गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 6 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 192 क्यूबिक मीटर।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है. नाउ अब इसमें क्या बोला है, शो डेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 9 टाइम्स, यानी 9 को मल्टीप्लाई करना, 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1728 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, डेट इज 192. इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे दोनों साइड्स क्या है, सेम है. तो हमने ये शो किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. LHS इज इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 7, अ क्यूबॉइड मेजर्स 48 मीटर बाय 32 मीटर बाय 24 मीटर एंड ईच एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स 16 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स. इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, देन एक क्यूब गिवन है जिसकी साइड क्या है 16 मीटर. अब आपको क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके इनका रेशियो फाइंड करना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम एंड क्यूब की वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है. आप रेशियो को किस फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 9:16 है, इसको आप लिख सकते हैं 9/16. वॉल्यूम का रेशियो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. अब हम यहाँ देखो, क्यूबॉइड का लेंथ है 48 मीटर, लेंथ के प्लेस से 48 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 32 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट डेट इज 24, डिवाइडेड बाय क्यूब की साइड गिवन है 16 मीटर. सो 16 × 16 × 16. अब आप इन टर्म्स को ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे. कैसे कैंसिल करेंगे, 16 × 16 × 16 = 48, 16 × 16 × 16 = 32. देन 16 के टेबल में 24 नहीं आएगा, इसको 8 से कैंसिल करेंगे. 8 के टेबल में 16 कब आता है, 8 × 16 एंड 8 × 3 = 24. यहाँ वैल्यू क्या आई आपके पास, 3. अब ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2. यहाँ वैल्यू है 3 × 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1. ऊपर वैल्यू आएगी 9 एंड नीचे वैल्यू आएगी 1. आपका ये फाइनल आंसर है 9:1. इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.